नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। इनइक्वलिटी ये चैप्टर में, इसमें हम दो कर चुके हैं, दो क्वेश्चन, ठीक है। अब ये थर्ड है, ये थोड़ा कुछ अलग है उससे। तो आप बता दीजिएगा इसमें, अगर मैं दो क्वेश्चन और करवाऊँगा इसमें, ठीक है, तो अगर उससे आगे करने हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके, नहीं तो फिर दो पर ही मैं एंड कर दूंगा, फिर अगले चैप्टर पर चलेंगे। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी कथन को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे इसमें क्या रखा है, अभिव्यक्ति इसमें है, एच छोटा है किससे? जी से, ठीक है। एच जी से छोटा है और जी के बराबर है, और के से कौन बड़ा है यहाँ पे? एफ बड़ा है। इधर की से, सॉरी, हाँ हाँ के से, सॉरी, के बड़ा है किससे? एफ से। इधर की साइड मुंह खुला हुआ है, वो वाला जो वर्ड हमारा क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है, या वो वाला व्यक्ति बड़ा होगा। के एक व्यक्ति मान लेते हैं, तो के व्यक्ति किससे? एफ से बड़ा है। तो ये निश्चित रूप से सत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य होगी? अब इसमें देखिए, ये कहना चाह रहा है के बड़ा या बराबर है जी के। तो आप यहाँ पे देखिए, के ये रहा और जी, सॉरी, यहाँ पे के एच है, तो के ये रहा और एच हमारा यहाँ पे है ये। तो इसमें देखिए दो कंडीशन बनेगी, पहली तो ये बनेगी, ठीक, दूसरी बनेगी किसके? बराबर वाली। अब इसमें आप देखिए, क्या एच जो है वो छोटा है और के बड़ा होना चाहिए? यहाँ पर आएगा जी, ठीक। इसमें देखिए एच जी से छोटा है ना, क्योंकि नोक वाला सिरा, वो जो नोक वाले सिरे की तरफ आएगा वो क्या होगा? छोटा होगा। तो एच जो है वो जी से छोटा है और जी किसके बराबर है? के। तो आप सीधा यहाँ पर कह सकते हैं कि के से एच क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। या ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं, एच लेस देन के, लेकिन दोनों ही स्थितियों में क्या होगा? लेस देन हमारा, लेस मतलब लेस देन एच ही होगा। देखिए ना, नोक किसकी तरफ आ रही है? एच की तरफ। अब इसमें देखिए, तीनों के तीनों क्या हैं? बराबर। तो देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, बराबर भी है और क्या है? ग्रेटर देन भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा, यही क्या होगा इसमें आंसर? तो आप समझ सकते हैं, जब पहला ऑप्शन सही होगा तो चारों क्या होंगे? गलत। अगला क्वेश्चन जल्दी। और देखिए पिछले क्वेश्चनों में क्या था, उसमें हमें स्टेटमेंट दे रखे होते थे और उनके अकॉर्डिंग हम पहले फिगर बनाते थे और तब फिर बाद में क्या करते थे। लेकिन इसमें क्या है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें डायरेक्ट हमें दे, देखिए इसमें दे रखा है पी छोटा है और बराबर है किसके? जी के। और जी छोटा है किससे? आर से। आर बराबर है एस के। इसमें पहली कंडीशन, अब क्वेश्चन को बड़े निश्चित रूप से सत्य है ना ये अभिव्यक्ति, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य नहीं होगी? नीचे में से कौन सी अभिव्यक्ति है जो सत्य नहीं होगी? तो पहला है पी, ये एस बड़ा या बराबर है पी के। तो देखिए इस कंडीशन में, इसकी दो कंडीशन बनेंगी इसमें, पी लेस देन जी और जी लेस देन आर इज इक्वल टू एस। उसके बाद में है पी इज इक्वल टू जी लेस देन आर और इज इक्वल टू एस। तो इसमें देखिए एस बड़ा है पी से, देखिए हाँ इस कंडीशन में बड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें कौन है? ये एस और आर बराबर हैं, तो यही दोनों बड़े हैं सबसे, है ना। तो पी पी जो है एस से छोटा है या फिर एस बड़ा है पी से, तो पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो जाएगी। दूसरा, तो पी बराबर बराबर है एस के, देखिए पी और जी बराबर है, ठीक है, और जी से बड़ा कौन है? आर। और आर बराबर है किसके? एस के। तो बराबर वाली कंडीशन तो फॉलो इसमें नहीं होगी, लेकिन एक कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। उसके बाद में पी छोटा है आर से, तो यहाँ देखिए पी आर से छोटा है, हाँ देखिए सही है, बिल्कुल छोटा है, ठीक है ना, इस कंडीशन में बिल्कुल छोटा है। और दूसरी वाली में भी क्या है? छोटा है, ठीक। तो ये भी कंडीशन सही है, ये इसमें एक कंडीशन सही है लेकिन दूसरी सही नहीं है, लेकिन इसे भी देख लेते हैं ना, इसे बाद में देखेंगे। और देख लेते हैं मेरे सारे काम, एस बड़ा है जी से, तो देखिए एस बड़ा है जी से, हाँ सही बात है, बड़ा है, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा इसमें कौन है? ये आर और एस दोनों ही बड़े हैं सबसे, तो जी क्या होगा इनसे? छोटा होगा, देखिए, ठीक है, ये जिसकी तरफ नोक निकल रही है वो क्या होता है? छोटा। तो ये भी कुछ, ये भी सही है, पी बड़ा है एस से, पी एस से बड़ा है नहीं हो सकता, क्योंकि आर और एस सबसे बड़े हैं, तो ये बिल्कुल एकदम ऑकवर्ड है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही सही होगा, ठीक है, ये भी यहाँ सही हो जाएगा। तो अभिव्यक्ति कौन सी सत्य नहीं होगी? ये वाली अभिव्यक्ति बिल्कुल भी सत्य नहीं होगी, है ना।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य है? डब्लू छोटा है जड़ से, इसमें से देखिए डब्लू किसमें छोटा है, ये दो विपरीत सिंबल है इस तरह से, और इस तरह से सिंबल है एक तरफ मुंह करने वाले, तो इनकी कंडीशन क्या होती है इनका पता नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते इसमें कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो ये तो पहली गलत हो गया। दूसरा वाला इसको देखिए, इसको मत देखिएगा ठीक है, ये गलत है। तो कंडीशन है डब्लू छोटा है जड़ से, क्या डब्लू छोटा है यहाँ पर? ये भी नहीं, ये भी कंडीशन गलत हो गई। तीसरी देखिए, डब्लू छोटा है जड़ से, इसमें देखिए इसमें जो इस सिंबल है ग्रेटर देन का, ये क्या है, एक ही तरफ है सबके मुंह, तो यहाँ देखिए डब्लू सबसे छोटा है ना, डब्लू सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा एक्स, उससे बड़ा वाई, फिर उससे बड़ा जेड, तो यही ऑप्शन सही होगा। आगे देख लेते हैं इनको भी, विपरीत विपरीत सिंबल आ गए, तुरंत गलत कर दीजिए ठीक है। इसमें भी क्या है, विपरीत सिंबल है ठीक है, ये रहा दो विपरीत हैं, ये भी गलत कर दीजिए। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति में से कौन में से किस में अभिव्यक्ति में एल छोटा आर से है, एल छोटा है आर से, निश्चित रूप से सत्य है। देखिए एल आर से छोटा है, इसमें तो एल बड़ा है सबसे, तो ये तो गलत हो गया। इसमें एल छोटा है आर से, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए तीनों के तीनों एक ही तरफ मुंह करके हैं, ये एल एम से छोटा है और एन एम जो है वो एन से छोटा है और एन इसमें आर से छोटा है ठीक। तो क्या एल आर से छोटा है? हाँ, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, लेकिन और भी देख लेते हैं। विपरीत सिंबल वाले हैं, ये तो पहली गलत हो जाएगी। इसमें से यही तीसरा, उसका ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति में से किसमें किस अभिव्यक्ति में डी बड़ा है ए से, डी ए से बड़ा है। देखिए तो इस वाली कंडीशन में ए छोटा है बी से और इस बी छोटा है सी से और डी बराबर है, तो डी बड़ा है ए से, इस वाली कंडीशन फॉलो हो रहा है ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, अब ये कहना चाह रहा है सत्य नहीं है, तो इस वाली कंडीशन में ही फॉलो हो रहा है। देखिए आप सारे ग्रेटर देन किस मतलब किसकी तरफ आ रहे हैं, ये सिंबल डी की तरफ ग्रेटर देन है सबसे ज़्यादा। देखिए डी बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है ए से, सबसे छोटा कौन होगा इसमें से? ये वाला ए ही सबसे छोटा होगा। इस वाली कंडीशन में देखिए ये भी फॉलो हो रही है ठीक है। नेक्स्ट इस कंडीशन को देखिए, डी बड़ा है ए से, देखिए इसमें आप देखना, देखिए सारे के सारा मुंह किसकी तरफ खुल रहे हैं, डी की तरफ, तो डी सबसे क्या होगा इसमें, सबसे बड़ा होगा ठीक है, ग्रेटर देन आ रहा है। इससे यहाँ पे कह सकते हैं ये इस तरह होगा, 4 3 और 2 ठीक है, इस तरह की कंडीशन है। 3 से कौन बड़ा है 4 और 2 से कौन बड़ा है 3 और 2 से 4 भी क्या होगा वो भी बड़ा है। यहाँ देखिए इसमें दो विपरीत सिंबल आ गए ठीक, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही थी। इसमें हम पता नहीं लगा सकते कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसने कहा ना सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही आंसर होगा ठीक। तो अभी मैं इसमें दो क्वेश्चन और करवाऊंगा इसके ठीक है, मतलब दो इस तरह क्वेश्चन नहीं समझिएगा, पूरे के पूरे जो 5 5 उनके जो पार्ट हैं, दो और करवाऊंगा उसके बाद में मेरे हिसाब से आपको एक पूरी तरह क्लियर हो जानी चाहिए, और उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।